पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए कौमी टीम में 8 बड़ी तब्दीलियां कर डाली। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया गया। शाहीन शाह अफरीदी ने 8 बड़े प्लेयर्स की वापसी करा दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड कौन सा रहने वाला है और किन 8 प्लेयर की पाकिस्तान की टीम में वापसी हुई है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक शुरू कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को पुश कर दें ताकि आपको क्रिकेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 5 टी20 मैच की सीरीज अप्रैल के मंथ में खेल जाएगी और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और 5 टी20 मैच की सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेलेगी। पहला टी20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 18 अप्रैल 2024 को रावलपिंडी के मकाम पर खेला जाएगा। तो उसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 8 बड़े खिलाड़ियों को पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में जो सबसे बड़े प्लेयर शामिल हुए हैं उसमें है इमाद वसीम। इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस लेने का कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो इमाद वसीम ने वहाब रियाज और शाहीन शाह अफरीदी की बात को मानते हुए रिटायरमेंट वापस ले ली है और पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल होंगे। इमाद वसीम नंबर 1 पर है जो कि पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल चुके हैं, जबकि नंबर 2 पर है इरफान खान नियाजी। पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा कराची किंग्स में PSL 9 को रिप्रेजेंट किया है और अब शाहीन शाह आफरीदी ने इरफान खान नियाजी की बैटिंग से मुतासर होकर इरफान खान नियाजी को भी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल कर लिया है। फिर नंबर 3 पर है मोहम्मद अली। मुल्तान सुल्तान का फास्ट बॉलर मोहम्मद अली ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी इंप्रेस किया है और ये भी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल हो चुका है। जबकि नंबर 4 पर है हसन अली। हसन अली की पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में वापसी हो चुकी है। हसन अली 2 साल बाद पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। फिर नंबर 5 पर है अबरार अहमद। टी20 स्पेशलिस्ट यानी कि मिस्ट्री स्पिनर बॉलर अबरार अहमद को पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है और इसकी काफी अरसे बाद वापसी हुई है। वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड का हिस्सा थे लेकिन इंजरी के बायस वो खेल ना सके। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 टी20 की सीरीज न्यूजीलैंड में खेली गई वहां पर भी इंजरी से बाहर हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा ये कमबैक कर रहे हैं और पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। फिर नंबर 6 पर पेशावर जर्मी के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर मेहरान मुमताज को भी पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। नंबर 7 पर नसीम शाह की पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में एक लंबे अरसे बाद वापसी हुई है और वो 2023 एशिया कप के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। और नंबर 8 पर जो बड़ी तब्दीली होने जा रही है वो मोहम्मद आमिर अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी कर चुके हैं और अब उन्होंने 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया है और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टी20 सीरीज के स्क्वाड में शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप क्या मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के कमबैक के हवाले से खुश हैं या फिर नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और क्रिकेट के हवाले से अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।